दोस्तों, प्रीति इंटा की टीम पंजाब किंग्स का एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। पंजाब ने आईपीएल 2022 में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। पंजाब के पास इस बार बेहतरीन खिलाड़ियों की भरमार थी, लेकिन वे 14 में से केवल 7 ही मैच जीतने में कामयाब हो पाई और पॉइंट टेबल में नंबर 6 पर रही। हर साल की तरह अगले साल यानी कि आईपीएल 2023 में भी पंजाब आईपीएल ट्रॉफी जीतने के सपने को पूरा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। जो कमियां इस बार पंजाब की टीम में थी, उन्हें वे मिनी ऑक्शन के जरिए दूर करने की कोशिश करेगी। कुछ बड़े बड़े फेरबदल पंजाब किंग्स अपने स्क्वाड में करने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों से लेकर उन खिलाड़ियों की जिन्हें पंजाब किंग्स अगले सीजन से पहले होने वाले ऑक्शन में टारगेट करेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे चैनल क्रिकेट ट्रायंगल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब कौन कौन से खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। तो पंजाब जिन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है, उनमें है कप्तान मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, जितेश शर्मा, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, अंश पटेल, राज बाबा, अथर्व तायडे, लियाम लिविंगस्टोन, प्रेरक माकंड, ऋषि धवन, ऋतिक चटर्जी, हर्षदीप सिंह, बल्तेज ढांडा, ईशान पोरेल, कगीसो रबाड़ा, राहुल चार और वैभव अरोड़ा। तो दोस्तों, इन खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स रिटेन करने वाली है। अब बात करते हैं कि पंजाब किंग्स कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करेगी। तो इन खिलाड़ियों में ओडियन स्मिथ, बेनी होवेल, हरप्रीत बरार, शाहरुख खान, नाथन एलिस और संदीप शर्मा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वो टॉप 3 खिलाड़ी जिन्हें पंजाब किंग्स ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी जिन्हें पंजाब टारगेट करेगी वो है बेन स्टोक्स। इंग्लैंड की बेन स्टोक्स को केवल पंजाब ही नहीं बल्कि और भी कई टीमें टारगेट करेंगी। स्टोक्स दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। शाहरुख खान और ओडियन स्मिथ दोनों को एज ए फिनिशर पंजाब ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन दोनों ही ये काम करने में फेल रहे। ऐसे में पंजाब स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। स्टोक्स एक खतरनाक बल्लेबाज, गेंदबाज और बेहतरीन फील्डर हैं। आईपीएल 2022 में स्टोक्स नहीं खेले थे, ऐसे में फैंस को उनका इंतजार बेसब्री से है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वे पंजाब से खेलते हैं या फिर कोई और टीम से। वहीं अब दूसरे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें पंजाब किंग्स टारगेट करेगी, वो है साकिब अल हसन। बांग्लादेश के साकिब अल हसन एक स्पिन ऑलराउंडर हैं। साकिब भी आईपीएल 2022 का हिस्सा नहीं थे, मगर अब वे मिनी ऑक्शन में शामिल होने वाले हैं और पंजाब की टीम इस खिलाड़ी को जरूर टारगेट करेगी। स्पिन अटैक में पंजाब केवल राहुल चाहर पर ही डिपेंड है। साकिब के आने से पंजाब स्पिन में केवल राहुल चाहर पर डिपेंड नहीं रहेगी। साकिब को आईपीएल में 71 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 70 विकेट लिए हैं जबकि 793 रन बनाए हैं, और अब ये एक्सपीरियंस पंजाब किंग्स के काम आ सकता है। ऐसे में पंजाब इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को जरूर टारगेट करेगी। वहीं अब तीसरे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें पंजाब टारगेट करेगी, वो है राशि बंडर डुसैन। साउथ अफ्रीका के राशि बंडर डुसैन आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, जहां पे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में राजस्थान इस खिलाड़ी को रिलीज कर देगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस अफ्रीकी खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। भले ही भी इस साल आईपीएल में कोई कमाल न दिखा पाए हों, लेकिन अगले साल भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा सकते हैं। ऐसे में पंजाब राशि बंडर डुसैन को जरूर टारगेट करने वाली है। तो दोस्तों, ये थे पंजाब किंग्स के रिटेन और रिलीज खिलाड़ी, साथ ही वो टॉप 3 खिलाड़ी जिन्हें पंजाब किंग्स ऑक्शन में टारगेट करेगी। आपके हिसाब से पंजाब को किन खिलाड़ियों को करना चाहिए रिटेन और रिलीज, वहीं कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।